सब, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। आज हम जा रहे हैं सबसे पहले कज़न के घर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कज़न के घर, तो अभी जा रहे हैं वापस कज़न के घर आए थे। लेट्स गो। शाम का वक्त है जी, 5 बज चुके हैं और मौसम काफ़ी नॉर्मल है, यानी कि ना ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा सर्दी है, बस नॉर्मल सा मौसम है। तो जी अभी प्लान बना है कि कहीं और भी जाएंगे, तो आपको मैं 2-3 बहुत ही प्यारी सी जगहें दिखाऊंगी। तो आप लोगों ने वीडियो के एंड तक साथ रहना है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो यहाँ से अब आप देखना शुरू कर दें कितनी अच्छी अच्छी प्लेसेस आना स्टार्ट हो रही हैं, और फुल देसी माहौल वाली भी अभी एक बहुत प्यारी जगह आएगी। ये देखें यहाँ से जी स्टार्ट है, अभी देखें यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी जगह है, ग्रीनरी। ये मेरी फेवरेट जगह है, मतलब यहाँ पे सुकून है, पीस है, यहाँ पे हर तरफ ग्रीनरी, ट्रीज़ हैं। ट्रीज़ वाली जितनी भी जगह होती है ना, कमाल की होती हैं। फील्ड्स हों जहाँ पर घास हो, फ्लावर्स हों, तो आप लोग वीडियो में देखते जाइए। अब यहाँ से ये नदी स्टार्ट हो रही है, देखें कितना सारा पानी है यहाँ पर। और यहाँ इस साइड पे जो है सारे लोगों के घर बने हुए हैं और दूसरी साइड में फील्ड्स हैं। सामने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा सारी ग्रीनरी है और ट्रीज़ हैं, ये सारी ये खेत वगैरह इस साइड से स्टार्ट होते हैं। यहाँ ये काफ़ी लंबी है, पूरे एक लंबे से रोड जितनी ये यहाँ से स्टार्ट है और एंड बहुत लंबी है। तो फाइनली हम गांव पहुंच चुके हैं, आप लोग व्यू चेक कर सकते हैं, फुल देसी माहौल है यार, यहां पर भी लोग सुकून से रहते हैं। वैसे इधर चलने का भी अपना ही मज़ा होता है और घूमने का इंजॉयमेंट भी काफ़ी हो जाती है। और यहां पर बहुत छोटी गलियां भी होती हैं, बड़ी भी। काफ़ी इंजॉयमेंट की आज हम विलेज आए थे। हेलो बच्ची, इस बच्ची को देखें गाइस, काफ़ी सुकून वाला माहौल है यहाँ पर। व्यू देखें, बकरियाँ थी यहाँ पर, वो कहाँ गई? बकरियाँ थी तो सही, अब पता नहीं कहाँ गई। वो देखें, वो खा रही है। चलो हम सर्च करते हैं किस साइड से आए थे हम, इस साइड से। और यहाँ पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पे बकरियाँ हैं। हाँ और जी ये वही नदी है, और यहाँ पर देखें ये आंटी कपड़े धो रही हैं, उसके अलावा बच्चों को देखें बैठे हुए। तो जी गांव का अपना लाइफस्टाइल होता है और सिटीज़ का अपना लाइफस्टाइल होता है। यहाँ पर अब देखें, आपने देखा ही होगा, काफ़ी अच्छी ये भी लाइफ है, सारे देसी खाने मिलते हैं यहाँ पे खाने को, दही, लस्सी, रोटी, पराठे वगैरह। और यहाँ से अब आगे जाते हैं, देखते हैं क्या कौन सा रोड स्टार्ट हो रहा है। व्यूवर्स यहाँ से व्यू चेक करें, सनसेट वाला कितना अच्छा व्यू है, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। और साथ ही ट्रैवलिंग और क्या कहते हैं, बहुत सुकून। उसके अलावा इस साइड से भी देखें, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है।
है, आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस शेयर भी किया करें। यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू है। गांव की लाइफ यार अच्छी होती है, कभी कभी जाकर रहना चाहिए। समर्स में छुट्टियाँ गुजारने जाना चाहिए और वैसे भी रहना चाहिए। कुछ ख़ास रश भी नहीं होता, यानी कि गांव भी अच्छा होता है, आना चाहिए कभी कभी। यहाँ पर देखिए ये बकरियाँ कितनी सारी हैं, वाह। ये सब इन अंकल की बकरियाँ हैं, आई थिंक 50+ हैं। ये ब्लैक कलर में भी हैं, वाइट में भी हैं, इन दोनों अंकल्स की हैं। और ये देखें यहाँ पे कैसे घरों के बाहर मज़े से चारपाई डाल के लोग बैठे बातें कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। यहाँ पर देखें वक्फे वक्फे से घर बने हुए हैं। तो आप लोग बताएं आप लोगों को कौन सी लाइफ पसंद है, विलेज की या सिटी की, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ। उसके अलावा यहाँ पर जो होती हैं शॉप्स वग़ैरह, वो भी घरों के पास पास होती हैं, यानी कि हर घर के 5 घरों के बाद एक शॉप ज़रूर होती है। और ये देखें यार ये कितना प्यारा है रेड कलर में, आई डोंट नो ये क्या है, क्योंकि इस साइड पे हम पहली बार आए हैं, घूमने निकले थे। तो मैंने कहा विज़िट करते हैं और मैं व्लॉग भी बनाऊंगी, आप लोग भी देखें, इंजॉय करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे भी शेयर करें फ्रेंड्स में। मुझे बहुत अच्छा लगता है घूमना फिरना इस तरह, गाँव वगैरह की लाइफ, देसी लाइफ। तो आप लोग भी बताएं आप लोगों को कैसी लाइफ पसंद है। तो अभी का व्लॉग मैं कर रही हूँ यहीं पर एंड। तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को भी मस्ट सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।